ओए बच्चा भाटी, कैसे हो? आवाज आ रही है? हेलो, गाइस एम आई ऑडिबल? गुड इवनिंग बेटा, शामिका एम आई ऑडिबल? ओके ग्रेट, गुड इवनिंग एवरीवन, राइट? लेट एवरीवन कम्स, वील देन स्टार्ट द लेक्चर, राइट? आई जस्ट पॉज द रिकॉर्डिंग आल्सो, राइट? तो हमने लास्ट क्लास के अंदर ऑप्टिकल एक्टिविटी किया था, राइट? इस ऑप्टिकल एक्टिविटी के अंदर वी कम टू नो दैट अगर कोई चीज की ऑप्टिकल एक्टिविटी कंपेयर करनी हो तो तुमको क्या चाहिए, क्या चाहिए तुमको? सेम कंडीशन चाहिए। सेम कंडीशन थी, और उस कंडीशन को लेके आने के लिए या तो कंडीशन सेम कर लो या उनका क्या कैलकुलेट कर लो, स्पेसिफिक रोटेशन। बात समझ में आई? अगर दो कंपाउंड का स्पेसिफिक रोटेशन दे रखा है देन यू कैन एक्चुअली कैलकुलेट इट, राइट? अरे अंडरस्टूड, राइट? ओके यार एक बात बताओ, चलो ग्रेट, तो एक काम करते हैं। तो हम लोगों को क्या पता लगा अभी कि हम लोगों ने ऑप्टिकल आइसोमरिज्म किया, उसके अंदर हमने सबसे पहले ये समझा कि व्हाट इज ऑप्टिकल एक्टिविटी, ठीक है? तो ऑप्टिकल एक्टिविटी है क्या? व्हाट इज ऑप्टिकल एक्टिविटी गाइस? मैंने तुमसे एक क्वेश्चन पूछा एंड उसका ना आंसर तुमको देना। खुशी इट इज डिफ्लेक्ट और रोटेट, रोटेट रोटेट विच लाइट, लाइक बेसिकली व्हाट लाइट यू आर ऑब्जर्विंग द रोटेशन एंड ऑल, विच लाइट यू आर यूजिंग, प्लेन पोलराइज लाइट। सो इट इज लाइक द प्लेन पोलराइज लाइट यू आर यूजिंग, ठीक है? टू चेक द ऑप्टिकल एक्टिविटी, ठीक है? वन सेकेंड, ओके डन, ठीक है? नाउ लिसन गाइस, तो हम लोगों ने पोलारीमीटर कर लिया था, ऑप्टिकल एक्टिविटी कर ली थी, ठीक है? नाउ एक क्वेश्चन है, फर्स्ट वील डू दैट क्वेश्चन देन वील मूव अहेड फॉर द ऑप्टिकल एक्टिविटी, ठीक है? फाइन, या नाउ क्वेश्चन इज, हाउ मेनी स्ट्रक्चरल प्लस ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आर पॉसिबल फॉर दिस मॉलिक्यूल? तुमको क्वेश्चन का आंसर देना है। कर लोगे कि मैं करूं? गाइस कर लोगे कि मैं करूं? करो, ट्राई करो, ट्राई डूइंग इट, एंड जब भी कोई आइसोमर बना रहे हो ना तो प्लीज चेक कर लेना सिस एंड ट्रांस पॉसिबल है कि नहीं। गेटिंग इट? सिस ट्रांस इजेड से एंटी पॉसिबल है कि नहीं, ठीक है? Let's try it out. I'll give you 5 minutes till 7 o'clock.
या गाइस हुआ सॉल्व किया इसको आंसर क्या निकला अभी तक ओके देवांगी देवांगी कम निकले यार इस समय ओके लिसन एवरीवन सबसे पहले तुम्हारा अप्रोच क्या था हाँ डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन तो कितना डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन आया तुम्हारा एक गाइस एक काम करो अपना वेबकैम ऑन करो सारे ठीक है निरंजन गाइस स्विच ऑन योर वेबकैम स्विच ऑन योर वेबकैम ओके रश्मि रश्मि वेर डू यू स्टे ओके फाइन एवरीवन स्विच ऑन योर कैम ओके शामिका ओके अपना कैम स्विच ऑन करो ठीक है श्रावणी
एक बात बताओ, स्विच ऑन योर कैम को मराठी में क्या बोलते हैं? मेरे ख्याल से इनको हिंदी इंग्लिश आती नहीं है समझ में, मतलब इतनी बार बोलने के बाद भी अगर ये समझ में नहीं आया तो मतलब फिर क्या ही कर सकते हैं। एक काम करो, कैम ऑन नहीं करना तो निकल लो यहाँ से, जरूरत नहीं। अदर आई विल रिमूव यू गाइस फ्रॉम द मीटिंग इटसेल्फ। जिसने मैसेज किया है मुझे वो ठीक है, राइट? ओके ठीक है ठीक है ठीक है। जिस नोटबुक में तुमने काम किया आइसोमर निकालने का वो शो करो कैम पे। ओके दीपू देखा जरा। ओके साइक्लिक ने ड्रॉ किया किया आदित्य। ओके ठीक है खुशी। सुराम्या ओके अमीशा कैम वो कहाँ दिखाओ तो लगभग वो ओके नहीं दिख रहा बेटा। कैम के पास लेके आओ ना, इतनी दूर से कैसे दिखेगा, सुपरमैन थोड़ना है। अदिति और कितना टाइम लगेगा ड्रॉ करने में? रिमझिम कर लिया ना बेटा।
स्टार्ट करें ना? Aditi, I didn't get your answer till now. Okay, guys, listen. सबसे पहले तुम लोगों ने डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कैलकुलेट किया है, एग्री? डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन तुम्हारा एक आया. उसके बाद जब मैं तुमको पहले बोला था कि अगर आइसोमर्स कैलकुलेट करने हैं तो यू टू स्टार्ट विथ लोएस्ट कार्बन के साथ, लोएस्ट कार्बन चेन के साथ, राइट? अगर लोएस्ट कार्बन चेन तीन की है तो मेरे को उसमें पाई बॉन्ड डालना है. तो अगर पाई बॉन्ड डालूंगा तो बाकी कितने कार्बन बचे? दो कार्बन. क्या मैं दो कार्बन बीच में डाल सकता हूँ वैसे? नो सर. पॉसिबल है? नहीं. कार्बन पांच बॉन्ड ही बना सकता, मतलब कोई भी ऐसा आइसोमर नहीं है जो तीन कार्बन चेन बना रहा हो, एग्री? यस. उसके बाद तुम्हारे पास चार कार्बन है, गेटिंग इट? अब चार कार्बन आने के बाद जो पाई बॉन्ड प्लेसमेंट होगा वो कितनी पोजीशन पॉसिबल्स है इसके अंदर? दो पोजीशन पॉसिबल है. या तो यहां डाल सकते हैं या तो यहां डाल सकते हैं. तो यहां डाल दिया और दूसरी पोजीशन पे मैंने यहाँ डाल दिया, गेटिंग इट? अभी बचा CH3, वो CH3 कहाँ डाल सकता हूँ मैं इसके अंदर? कहाँ डाल सकता हूँ? बेटा कहाँ डाल सकता हूँ? कितनी पॉसिबिलिटीज हैं इधर CH3 डालने की? एक कार्बन बचा ना, लास्ट में डालूं क्या? लास्ट में डालूं क्या? यहाँ और यहाँ डाल सकता हूँ क्या? नो सर. बिकॉज वो कार्बन में कार्बन चेन कौन सी हो जाएगी? पांच. एक तो ये पॉसिबिलिटी है या फिर एक ये पॉसिबिलिटी है, गेटिंग इट? उसके बाद एक CH3 यहाँ पे डालना है. अब यहाँ पे कितनी पॉसिबिलिटीज हैं? ये दोनों सेम ही है. तो यहाँ पे यार इतना मॉलिक्यूल बनाने के बाद चेक करो, A इज इक्वल टू B, तो क्या ये ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो कर सकता है क्या? नो सर. इधर भी ये कार्बन दो हाइड्रोजन के साथ बॉन्डेड है, अगेन A इज इक्वल टू B, तो क्या ये ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो कर सकता है क्या? नो सर. तो एक मॉलिक्यूल ये है, एक मॉलिक्यूल ये है, इधर आ जाओ. A इज इक्वल टू B, क्या ये ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करेगा क्या? नो सर. तो एक ही पार्टिकल है, देखिए एक ही मॉलिक्यूल आएगा पॉसिबल. डन. इसके अलावा कोई चार मेंबर वाला कार्बन चेन आएगा क्या? नो सर. इसके अलावा कोई चार नहीं ना? देन कम टू फाइव मेंबर. अब पांच कार्बन चेन के अंदर मुझे बताओ पाई बॉन्ड कहाँ कहाँ डाल सकते हैं? दो जगह. एक तो यहाँ डाल सकता है और एक यहाँ डाल सकता है. एग्रीड? एग्रीड. यस सर. यहाँ पे लगा दे A इज इक्वल टू B. कोई सिस्टांस है क्या?
नो सर वेरी गुड तो एक ही यहाँ आ जाओ ए इज नॉट इक्वल टू बी ए इज नॉट इक्वल टू बी सिस्टम से आएगा क्या आएगा सर ए इज नॉट इक्वल टू बी हाँ सिस्टम ट्रांस आएगा तो दो पॉसिबिलिटीज आएंगी एक सिस आएगी और एक ट्रांस इतना समझ में आया तुमको हाउ टू इंक्लूड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन दिस काइंड ऑफ व्हाट क्वेश्चंस यस सर ग्रेट अब कम टू साइक्लिक मॉलिक्यूल्स साइक्लिक मॉलिक्यूल के अंदर कहां से स्टार्ट करोगे पांच मेंबर खुशी लाइक ठीक है तीन मेंबर से कर सकते हो पांच मेंबर एक ही पॉसिबिलिटी है उसके बाद चार मेंबर एक पॉसिबिलिटी है अब बात करते हैं तीन मेंबर कार्बन चेन की अब इसके अंदर दो कार्बन बचे तो सबसे पहला अप्रोच क्या होगा उनको साथ में रखें उनको साथ में रखें तो कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज आएंगी दोनों सी एच थ्री सेम कार्बन पे सी टू एच फाइव एक कार्बन पे इसके अलावा कोई और पॉसिबिलिटी है क्या दोनों को साथ में रखने की नो सर अच्छा अब इधर भी एडजेसेंट कार्बन पे डालो अब सुनो जरा यहाँ सी एच थ्री यहाँ एच है यहाँ सी एच थ्री और यहाँ एच है यार साइक्लिक मॉलिक्यूल भी स्टीरियो आइसोमेरिज्म शो करते हैं ना जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म अब ए इज नॉट इक्वल टू बी है और ए इज नॉट इक्वल टू बी है तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है ना कि सी एच दोनों सी एच थ्री तुम्हारी तरफ हो या एक सी एच थ्री तुम्हारी तरफ हो दूसरा सी एच थ्री पीछे की तरफ हो कोई डाउट अगर सी एच थ्री पीछे की तरफ है तो हाइड्रोजन तुम्हारी तरफ होगा सी एच थ्री तुम्हारी तरफ है तो हाइड्रोजन पीछे की तरफ होगा इन केस में दोनों हाइड्रोजन पीछे की तरफ होंगे तो यार ये सिस हो गया और ये ट्रांस हो गया एग्रीड यस सर तो यार इस केस के अंदर जहां ए इज नॉट इक्वल टू बी ए इज नॉट इक्वल टू बी कितने पॉसिबिलिटीज आई दो पॉसिबिलिटीज डन डन तो कितना आएगा इधर छ राइट राइट डन इतना हो गया सर यहाँ पे तो दो दो है ना हाँ तो एक सिस और एक ट्रांस है गेटिंग इट क्या दो है मतलब समझा नहीं सर छह ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बोल रहे हो छह ज्योमेट्रिकल क्यों बोलूंगा मतलब टोटल मांग रहा हूँ ना स्ट्रक्चर पर ज्योमेट्रिकल दोनों मिलाओगे ना यहाँ पे दो हो गए ये दो तीन चार पांच छ प्लस सात आठ नौ दस ग्यारह बारह बस बारह तो मॉलिक्यूल है राइट ओके गेटिंग इट अंडरस्टूड ये लिख लिया तुम लोगों ने ये सो हो गया ना एक क्वेश्चन और दूं ओके अप्लाई सिस्टम ट्रांस आइसोमेरिज्म इन दैट आल्सो ठीक है एंड अब मैं रैंडमली ना बच्चे को नाम बोल के बोलूंगा कि मेरे को दिखाओ क्या क्या किया उसने पेपर पे ठीक है एंड जिसको बोला जाए ना कैम स्विच ऑन करने के लिए तो कर लेना
calculate structural plus geometrical isomers. For a molecule जिसका है molecular formula C4H8O, एक काम करो सिर्फ cyclic करना, acyclic मत करना, मुझे सिर्फ cyclic molecules के चाहिए, कितने geometrical isomerism कितने structural isomerism होंगे, ठीक है? साइक्लिक फॉलो करना एंड ऑक्सीजन कैन बी ए पार्ट ऑफ अ रिंग, ये हिंट दे रहा हूँ फॉर दो स्टूडेंट जिन्होंने अच्छी तरह प्रिपेयर नहीं किया, करेंगे जल्दी करो। कितने ऑप्शंस हैं तुम्हारे पास अभी तक? रितिशा, व्हाट इज द आंसर यू गॉट? व्हाट इज द आंसर यू गॉट?
निकाल लिया देवांगी, आंसर आ गया। ट्राई कर ट्राई कर, साइक्लिक के अंदर चेक करो क्या क्या ऑप्शन पॉसिबल है, कैसे पॉसिबल है। अच्छा क्वेश्चन माना जाता है इसको। आई विल चेक खुशी, देखता हूँ। हाँ देवांगी करते हैं, बट मैंने साइक्लिक बोला है सिर्फ, ओपन चेन मत कैलकुलेट करना, मैंने बोला ही साइक्लिक है। अब ओपन चेन में आएगा ना वो सी डबल बॉन्ड हो, तो साइक्लिक में तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन ऑलरेडी सैटिस्फाई होगी, तो उसमें क्यों डबल बॉन्ड डालोगे। करेक्ट, है ना। ठीक है खुशी, ट्रैक चेक करो कितना आ रहा है। हमने ये वाला क्वेश्चन ऑलरेडी कर लिया था, ठीक है, बट उस क्वेश्चन के अंदर हमने ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म कैलकुलेट नहीं किया था। नाउ आई जस्ट वांट टू कैलकुलेट ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आल्सो फॉर दैट। ठीक है, चेक करो एडजेसेंट कार्बन या 1,3 कार्बन पे जहाँ पे ए इज नॉट इक्वल टू बी आ रहा है, तो वो सिस्टम ट्रांस शो कर सकते हैं साइक्लिक रिंग के अंदर। करो करो, स्ट्रगल करो, अच्छा है, नहीं करोगे तो काम में मतलब दिमाग नहीं चलेगा। कहाँ है रितेशा, आंसर कितना है अभी तक? सुरम्या आंसर कितना है? तिथि ओके, आदिति आदिति शो में द वर्किंग उसके अंदर क्या नाम है कैम के अंदर, शो में द वर्किंग, तो वर्क किया है ना जिसमें 14 आए हैं वो एक बार शो कर, और टू सी हाउ व्हाट इज द एग्जैक्ट थिंग यू हैव डन। या सुमेधा I see the approach, how exactly you have done. No? Okay. ठीक है, फाइन, हमारे पास कार्बन आइटम कितने हैं? ओके फाइन, ये डैश वेज बनाया ना, ठीक है ठीक है।
देवांगी आंसर कितना आया? ओके खुशी, ठीक है अदिति, विल चेक। वेर अमीशा, अमीशा ऐसी? यस सर। अब बेटा शो मी दैट वर्किंग, जो भी ब्रेक स्ट्रक्चर बनाया। ओके कितने आए अभी तक? हाँ बेटा सर अभी तक 10 आया। 10 आया, ओके फाइन। तो तिथि समथिंग में ओके ओके ना लिसन एग्जैक्टली इसका अप्रोच कैसा रहेगा। सबसे पहले डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना है इसका? इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन जल्दी। ओके ठीक है, अगर डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 1 आया तो मेरे को साइक्लिक ही चाहिए, तो एक ही साइक्लिक रिंग पॉसिबल है, बोलो हाँ या ना। Yes, तो सबसे पहले मैक्सिमम रिंग कितने का, आप कितने मेंबर्स की होगी? 5 मेंबर्स। तो ये रहा 5 मेंबर की रिंग, गेटिंग इट? यस सर। चलो ये मैक्सिमम है, उसके बाद 4 मेंबर्स बचा क्या? ऑक्सीजन। चलो ठीक है अंडरस्टैंड, आगे चलें। उसके बाद क्या आएगा? अच्छा ऑक्सीजन का वो वाला पार्ट भी आएगा जहाँ पे 4 मेंबर का वाला पार्ट भी आएगा जहाँ पे ऑक्सीजन रिंग में है, राइट? तो बचा CH3, तो एक CH3 यहाँ आ सकता है और दूसरा CH3 यहाँ आ सकता है। अभी तक तुमको कोई ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म मिला क्या यहाँ पे? मिला कोई? बोलो अभी तक तो कोई ऐसा सिस्टम मिला ही नहीं है जिसके अंदर कुछ इस टाइप का सिस्टम आए, क्योंकि एडजेसेंट एटलीस्ट 2 कार्बन भी तो लगे होने चाहिए ना ग्रुप्स। अब तक तो यहाँ पे ऐसा आया नहीं है सिस्टम। अब बात करो 3 मेंबर के लिए, तो 3 मेंबर के लिए व्हाट द थिंग यू विल ड्रॉ? पहले रिंग कंटेनिंग ऑक्सीजन, आपके क्या बचा? अब क्या बचा मेरे पास? 2 कार्बन। तो 2 कार्बन को एक ही कार्बन में डालो, दोनों कार्बन को एक ही कार्बन में डालो इस तरीके से, कोई डाउट? नो सर। वेरी गुड। उसके बाद जब ये हो गया तो 2 कार्बन को डालो कहाँ पे? एडजेसेंट कार्बन पे, करेक्ट? जैसे ही एडजेसेंट कार्बन पे आते हो चेक करो ए इज नॉट इक्वल टू बी एंड ए इज नॉट इक्वल टू बी, एग्रीड? तो ये तुम्हारा सिस्टम ट्रांस शो कर सकता है कि नहीं कर सकता? कर सकता है कि नहीं कर सकता? सर सिस कर सकते हैं। सिस और ट्रांस दोनों करेगा ना बेटा, ये तो जस्ट बॉन्ड बनाया मैंने, करेक्ट? इसमें ऐसा भी तो हो सकता है कि दोनों CH3 तुम्हारी तरफ आ गए। यस हाँ, सिस और ट्रांस। और एक CH3 तुम्हारी तरफ है, दूसरा CH3 पीछे की तरफ है, करेक्ट? तो इसके 2 आएंगे कि नहीं आएंगे सिस एंड ट्रांस? 2 आएंगे, करेक्ट? करेक्ट। उसके बाद 3 मेंबर रिंग वेयर ऑक्सीजन इज नॉट अ पार्ट ऑफ द रिंग, उसके बाद क्या करोगे?
OH और कार्बन को एक ही कार्बन के अंदर डालोगे, OH और कार्बन को इस तरीके से भी डाल सकते हो और OH और कार्बन को इस तरीके से भी डाल सकते हो, कोई डाउट? नो सर। तो एक कार्बन के अंदर इस तरीके से हम डाल सकते हैं। उसके बाद थ्री मेंबर रिंग, यहाँ पे डाला OH, यहाँ पे डाला CH3, क्या ये ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करेगा? बोलो हाँ या ना। यस सर। A is not equal to B, again A is not equal to B, तो again ये सिस्टम ट्रांस होगा, दो आएंगे, करेक्ट? यस। नाउ टोटल आइसोमर्स कितने बने हमारे पास? दो, तीन, चार, पांच, छह, सात, आठ, नौ, दस, ग्यारह, बारह, तेरह, गेटिंग इट आठ, आठ चार, आठ पांच, तेरह, करेक्ट? गाइस लिख लिया ये? यस सर। अब तुम में से ये वाला आंसर किस किस को आ गया था ढंग से? कैन यू रेज योर हैंड फॉर दैट? द पर्सन हु एक्चुअली गॉट द करेक्ट आंसर, कैन यू रेज योर हैंड? मैसेज ही करोगे, ठीक है, ओके आदित्य। चले आगे, मतलब किसी का करेक्ट आंसर नहीं आया इसके अंदर। ओके ओके सुनो, एक लास्ट क्वेश्चन दूं, थोड़ा सा ट्रिकी जाएगा बट अच्छा रहेगा। ओके या थोड़ा सा ट्रिकी जाएगा, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, एक बार कर लोगे तो हो जाएगा। साइक्लिक प्लस साइक्लिक स्ट्रक्चरल प्लस ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स ऑफ अ कंपाउंड कंटेनिंग C6H12, लाइक ऑफ अ कंपाउंड C6H12, इसका निकालना है अपने को। साइक्लिक और स्ट्रक्चरल ओनली, ठीक है, सिस्टम ट्रांस चाहिए मेरे को उसके अंदर ढंग से देख के। और पहले करो उसको, ट्राई करो। बेटा साइक्लिक मतलब नॉन ए साइक्लिक ओनली ना, ओपन चेन नहीं चाहिए, सिर्फ साइक्लिक चाहिए। नॉन ए साइक्लिक, नॉट ए साइक्लिक ही होगा वो ऑब्वियसली। सिर्फ साइक्लिक चाहिए मुझे इसके अंदर। ट्राई करो,
यस कितना आंसर आया? ग्यारह. ओके ग्यारह. ओके टू पीपल सेड 11. निरंजन सिंह 12. ओके करो करो बताओ जरा. ओके श्रावणी ठीक है आदित्य. ओके गाइस लिसन अगेन. इशी ओके ओके ना वील चेक एक एक करके ना वील चेक. बाकियों का क्या हुआ? लाइक व्हाट अबाउट द अदर पीपल? अभी तक आंसर आया नहीं है उनका. रश्मि कितना आंसर है? ठीक है अमीशा ये कौन है? प्राची ठीक है ये भी सही है. ओके ओके रश्मि. रम्या तिथि आर्या दीपू. सुरम्या अभी तक कितना आंसर आया? तिथि आर्या दीपू एंड जे ऑल्सो. वेयर इज जे? ईशा कल्याणी मैसेज द नंबर टिल नाउ व्हाट एवर यू गॉट. कितना मिला नंबर वो बताओ. एक मिनट. ठीक है दीपू. ओके देवांगी. ओके गाइस दीपू जल्दी आंसर दे बेटा तो स्टार्ट करना अपने को सॉल्व करना. अरे खुशी यू गॉट द हाईएस्ट वन हियर. दीपू स्विच ऑन योर कैम और वो 11 सिक्सर देखा. टेल शो मी योर अप्रोच हाउ यू गॉट 11. एक मिनट. ब्लर है ब्लर. ओके तूने लास्ट वाले प्रोफाइल के अंदर और केसेस क्यों नहीं लिए और ये क्या किया? अच्छा ठीक है. अरे वाह ढक्कन अच्छा काम किया. गुड गुड. अरे हो गया दिख गया दीपू. गुड. ओके गाइस लिसन सबसे पहले मैक्सिमम कार्बन चेन कितना रहेगा यहाँ पे बताओ जरा. साइक्लो हेक्सेन सबका आया इतना. ये तो आ गया होगा सबका राइट. उल्टा साइक्लो पेंटेन बना के कहीं भी मिथाइल ग्रुप चिपका दिया होगा. इतने टैलेंटेड तो हो तुम राइट राइट. Yes, sir. अब सुनो साइक्लोब्यूटेन लिया
अब दो कार्बन बचे, तो सबसे पहला थॉट प्रोसेस क्या आया? ट्राई टू पुट बोथ द कार्बन और द सेम कार्बन, राइट? सबसे पहले ये आया? यस सर। अच्छा, उसके बाद कार्बन को अलग अलग जगह पे डालना है, ठीक है? अब एक बात बताओ, अगर कार्बन को अलग अलग जगह पे डालना है तो सपोज करो CH3 यहाँ डाला, बाकी दूसरा CH3 कहाँ कहाँ आ सकता है, कौन सी और दो पोजीशंस हैं? एडजेसेंट और ऑपोजिट। एडजेसेंट और ऑल्टरनेट, लाइक अपोजिट, राइट? एक तो ये पोजीशन पॉसिबल है, एक ये पोजीशन पॉसिबल। एक बात बताओ, इन दोनों कार्बन एटम को देखो, इस कार्बन पे कार्बन CH3 लगा हुआ और एक हाइड्रोजन लगा हुआ है, कार्बन लगा हुआ है एक हाइड्रोजन लगा हुआ है, अगेन साइक्लिक रिंग है, सिग्मा बॉन्ड रोटेशन पॉसिबल नहीं है, ए इज नॉट इक्वल टू बी, ए इज नॉट इक्वल टू बी, एग्रीड? ओके, देन व्हाट कैन आई हैव, आई कैन हैव सिस एंड ट्रांस ओवर देयर, से यस और नो? दोनों CH3 एक तरफ, एक CH3 तुम्हारी तरफ, पीछे ये पीछे की तरफ, सिस ट्रांस पॉसिबल है कि नहीं? इधर है कि नहीं है? Yes, है, तो दो पॉसिबिलिटी इधर है। क्या यहाँ पे सिस एंड ट्रांस पॉसिबल है क्या? हाँ देती हो, हाँ यहाँ पे सिस एंड ट्रांस पॉसिबल है क्या? चेक दिस कार्बन आउट, ए इज नॉट इक्वल टू बी, अगेन ए इज नॉट इक्वल टू बी। अब दोनों CH3 तुम्हारी तरफ हो सकते हैं, दोनों एक CH3 तुम्हारी तरफ होगा, एक पीछे की तरफ होगा, तो क्या होगा, सिस एंड ट्रांस आएगा कि नहीं आएगा? आएगा कि नहीं आएगा? अरे बाबा, आएगा कि नहीं आएगा? तो ओके, इसके अलावा क्या? अब बात आती है कितने मेंबर कार्बन की? तीन मेंबर के अंदर सबसे पहले थॉट प्रोसेस क्या है? पुट, ट्राई टू पुट ऑल द 3 कार्बन ऑन 1 कार्बन, राइट? यस। तो कैसे पुट कर सकते हैं? ऐसे, राइट? यस। ऐसे करेक्ट, इथाइल इथाइल और प्रोपाइल। अच्छा सुनो, ऐसे आइसोप्रोपाइल, yes. ये कितनों ने छोड़ा? ये चीज कितनों ने छोड़ी? सर ये नहीं लिखा ना। आइसोप्रोपाइल भी आ सकता है ना, प्रोपाइल आ गया, आइसोप्रोपाइल भी आ सकता है ना? अब बचे कितने? अब और क्या पॉसिबिलिटी बची? तीनों कार्बन को एक कार्बन में डाल दिया हमने, ठीक है? अब एडजेसेंट कार्बन में फोकस करोगे? एडजेसेंट कार्बन में फोकस करने के लिए तुमने दो मिथाइल ग्रुप डाल दिया और एक मिथाइल ग्रुप डाल दिया, कोई डाउट? ए इज इक्वल टू बी, तो क्या ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा क्या? नो सर। वेरी गुड। अब ए इज नॉट इक्वल टू बी, ए इज नॉट इक्वल टू बी, एग्रीड? यस सर। तो इथाइल ग्रुप इज नॉट इक्वल टू हाइड्रोजन, मिथाइल ग्रुप इज नॉट इक्वल टू हाइड्रोजन, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा क्या? करेगा। यही दो पॉसिबिलिटीज है ना, तीन कार्बन आटम को एडजेसेंट कार्बन में डालने की। दो एक डिस्ट्रीब्यूशन करोगे ना, डेट डेट तो डिस्ट्रीब्यूशन कर नहीं सकते हो, तो एक कार्बन पे दो कार्बन आएंगे, एक पे एक आएगा, करेक्ट?
रिहायन वेरी गुड। अभी का बताओ और कोई पॉसिबिलिटी है क्या सर? तीनों को अलग अलग, तीनों कार्बन पे अलग अलग आए। अब इसके अंदर कोई ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म पॉसिबल है क्या? ए इज नॉट इक्वल टू बी, के इज नॉट इक्वल टू बी, के इज नॉट इक्वल टू बी, पॉसिबल है कि नहीं? और ये क्वेश्चन ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझे ये पता करना है ये कितना कौन कौन से ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म पॉसिबल है इधर, तो उसके लिए एक नई शीट लगेगी। इतना लिख लिया तुम लोगों ने? बाबा इतना लिख लिया? यस सही होगा। ओके चले आगे कहो। हाँ है ना? यस ग्रेट। चलो अब कहाँ थे हम लोग? ये तीन कार्बन राइट, अब इसके अंदर ये सोचो कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। एक बार बताओ, एक पॉसिबिलिटी तो ये है कि तीनों सी एच थ्री तुम्हारी तरफ है, गेटिंग इट? ये तो मानते हो ना कि ये सी एच थ्री, ये सी एच थ्री, ये सी एच थ्री, पूरा कार्बन सिमेट्रिकल है ना? Yes. तो कोई भी चेंज इन दोनों कार्बन पे करूं इट इज सेम एज इन दोनों पे या इन दोनों पे राइट? Yes. कोई भी चेंज इन दोनों पे करूं या इन दोनों पे करूं बात सेम है, इन दोनों पे करूं बात सेम है, करेंगे। अभी का बताओ पहला केस क्या लिया, सारे सी एच थ्री तुम्हारी तरफ है, तो दूसरा केस क्या लोगे, सारे सी एच थ्री? बाबा सारे सी एच थ्री तुम्हारी तरफ है, बाकी क्या केस लोगे सारे सी एच थ्री? अवे फ्रॉम, बेटा अवे और टूवर्ड सेम होगा कि अलग अलग होगा? अगर ये साइक्लिक मॉलिक्यूल है, इसके अंदर लेट्स से ब्लू और वाइट तुम्हारी तरफ फेस कर रहा है, ठीक, अगर ब्लू और वाइट फेस कर रहा है, अगर मैं इसको रोटेट कर दूं तो ये तो मेरे पीछे चला गया ना, तो जो चीज तो वर्ड्स यू है, अगर मैं उसको 180 डिग्री रोटेट कर दूं तो सारी चीजें अवे फ्रॉम यू हो जाएंगी, हाँ या ना? तो तीनों सी एच थ्री तुम्हारी तरफ होना और तीनों सी एच थ्री पीछे की तरफ होना, बात तो सेम ही है ना? यस ग्रेट। आगे चलें? यस वेरी गुड। अब एक काम करो, दो सी एच थ्री तुम्हारी तरफ, एक दो सी एच थ्री एक दूसरे की तरफ है, एक सी एच थ्री पीछे की तरफ है, कर सकते हो? ये मान लिया दो सी एच थ्री तुम्हारी तरफ है और एक सी एच थ्री कहां पर है? पीछे की तरफ है, गेटिंग इट? यस। ओके नाउ अंडरस्टैंड, बोथ द सी एच थ्री आर फेसिंग टूवर्ड्स यू, अदर इज अवे फ्रॉम यू, ठीक है, या फिर दो पीछे की तरफ है एक तुम्हारी तरफ है, बात तो एक ही है। हाँ। और कोई पॉसिबिलिटी है क्या? या तो तीनों तुम्हारी तरफ फेस करेंगे या तो दो फेस करेंगे। आप बोलोगे सर एक भी तो फेस कर सकता है यार, एक फेस करेगा तो ये दोनों पीछे की तरफ चले जाएंगे ना? यस। तो कैलकुलेट कर ही लिया ना, जब दो फेस करें तुम्हारी तरफ इट सेम है, दो पीछे की तरफ फेस करें और एक तुम्हारी तरफ फेस कर रहा है, राइट? यस। इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी है क्या? गाइस इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी है क्या? हाँ सर इतनी होगी, इतनी होगी। तो ये एक ज्योमेट्रिकल आइसोमर हो गया और ये एक ज्योमेट्रिकल आइसोमर हो गया, इसको भी ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म में ही करेंगे, गिनेंगे, गेटेंगे? एग्जैक्टली ये 1 2 3 सिस हो जाएगा
और ये 1 2 6 एंड 1 3 एंड 2 3 ट्रांस हो जाएगा या उल्टा बोल सकते हो. गेटिंग इट? 1 2 6 हो जाएगा, 2 3 ट्रांस हो जाएगा या 1 3 ट्रांस हो जाएगा, बात एक ही है ना. और ये भी सिस एंड ट्रांस के अंदर गिना जाता है. एग्रीड guys? Agreed? Yes. Now understand, this question now is very important. ये पूछा गया यार इसके कितने stereoisomers possible हैं, तो तुमको पता होना चाहिए. Getting it? Understood? Very important. Done? Yes, हो गया. चलो ग्रेट. Now I'm giving you certain questions for homework, right? Fine. C8H16. ये 5 members isomers calculate करने, जिसके अंदर geometrical isomerism plus geometrical isomerism भी होगा. तुमको स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म प्लस ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कैलकुलेट करना. गेटिंग इट? कौन सा मेंबर है वो सिर्फ? कौन सा मेंबर सिर्फ? गाइस कौन सा मेंबर? 5 member तक ही. एग्जैक्टली. ग्रेट. C7H14. फाइव के आगे क्यों नहीं फिर? क्या? फाइव के आगे क्यों नहीं करना? अरे सर 5 member वाला कैलकुलेट कर लो यार, बहुत है. मैं कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूँ. मैं तुमको बड़ा टास्क थोड़ा दूंगा जिसके अंदर लगे पड़ोगे पूरा दिन कैलकुलेट करने के लिए. मुझे तो कॉन्सेप्ट क्लियर करवाना है ना, ताकि सोच सको ये करना कैसे. अरे हाँ या ना? हाँ तो इसके ही बहुत सारे निकलेंगे, मजाक नहीं है. 5 member के ही बहुत सारे निकलेंगे. गेटिंग इट? रिंग वाले साइक्लिक 5 member आइसोमर, दैट इज साइक्लिक ओनली. इसके अंदर भी 5 member साइक्लिक आइसोमर कैलकुलेट करना है, जो प्लस ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म करना है. गेटिंग इट? अरे कह दो. हाँ C9H18. इसके एक काम करो, 6 member साइक्लिक कैलकुलेट. 6 member साइक्लिक प्लस ज्योमेट्रिकल आइसोमर. ठीक है यस सर. ओके ग्रेट. ये 3 कर लेना, मेरे को व्हाट्सएप कर देना सॉल्यूशन. ठीक है एंड बस अभी वाइंड अप करते हैं क्लास. ठीक है, तुम भी जाओ मस्ती करो. आज कुछ ज्यादा ही अच्छा सेशन हो गया, सोच के काफी सोचा तुम लोगों ने आज. ओके टेक केयर बेटा, है ना. बाय आदित्य. बाय बेटा. ओके टेक केयर खुशी. बाय शमिका. बाय देवांगी. हेलो बाय टेक केयर.